बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और नई नई वीडियोस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ मैंने बहुत सस्ती, बहुत सादा, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज आपके साथ शेयर करना शुरू कर दी, ताकि इंस्टेंट रिजल्ट आप दोस्तों को मिल सके और आहिस्ता आहिस्ता आप नेचुरल पे आ सकें, बाजार की मार्केट की केमिकल वाली प्रोडक्ट्स को आप छोड़ सकें। तो बाज़ात आप दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर भी मैं मार्केट की प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो अच्छी वाली और सस्ती वाली होती है, जिनके रिजल्ट अच्छे होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो बहुत सारी बातें हमने कर ली, तो जल्दी से हम टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि नेट के पैकेजेस बहुत ज्यादा महंगे हैं और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जो है उनको अफोर्ड करना मुश्किल है। तो आज की वीडियो में मैं गर्मियों में रंग गोरा करने की बहुत ही जबरदस्त आपको क्रीम बताने वाली हूँ। ये क्रीम आपको दिनों में चमका देगी, गोरा कर देगी और साथ साथ चेहरे के दाग धब्बों को भी खत्म करेगी। बहुत जबरदस्त है भाई, एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी तिब्बत फेयरनेस क्रीम। तिब्बत फेयरनेस क्रीम आपको मेडिकल स्टोर पे या जहां से भी किसी अच्छे स्टोर से आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाती है, बहुत सस्ते में मिल जाती है। तो आप जरूर इसे घर पे रखें, क्योंकि इससे बहुत अच्छी अच्छी व्हाइटनिंग की रेमेडीज बनती है और दाग धब्बे भी खत्म होते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होगी एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैं आपको कहूंगी यही कि आप मार्केट का एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपको क्रीम को जो है वो स्टोर करना है, और सेम क्वांटिटी में हम एलोवेरा मिलाएंगे। और लास्ट पे मेरे पास व्हाइटनिंग कैप्सूल है। ये व्हाइटनिंग कैप्सूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है, ये मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है। अगर आप कहेंगे कि व्हाइटनिंग कैप्सूल चाहिए, तो इस तरीके का आपको व्हाइट कलर का कैप्सूल देंगे, ये तकरीबन 5-10 रुपए में मिल जाएगा। मेरे पास जो है वो मैंने ऑलरेडी इसको काफी ज्यादा परचेज किए हुए हैं। सो आपको एक कैप्सूल जो है वो लिक्विड फॉर्म वाला इसमें जो है वो एड कर देना। इतनी क्वांटिटी में मैं एक कैप्सूल जो है वो एड करूं। आप इसको तकरीबन ये आपकी 3 दिन चल जाएगी, तो 3 दिन का इतना जो है वो क्रीम आप बना के रख लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। बजाय ये कि आप सारी एक दफा बना के रखें तो लाइट कम ज्यादा आती जाती है, तो बिना फ्रिज के ये थोड़ी सी मतलब रनी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो अप्लाई करना मुश्किल होगा। आप ठंडी वाली क्रीम इस्तेमाल करें, इससे आपके पोर्स जो है वो ओपन पोर्स का मसला भी खत्म हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी नाइट क्रीम हो गई रेडी। आपको रात को सोने से पहले अपने चेहरे के ऊपर कुछ इस तरीके से क्रीम को अप्लाई करना है। हाथों की हालत डे बाय डे जो है वो बुरी होती जा रही है, तो अल्लाह पाक रहमत रखे, अपनी करम नवाजी रखे, क्योंकि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि नजरे बाद बहुत बुरी चीज होती है। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हमारे घर वालों को, हम सबको इससे बचाए, आमीन। तो अच्छे तरीके से आपको अपने जो है वो चेहरे पर इस क्रीम को अप्लाई कर देना है, और आपको इसका हल्के हाथ से मसाज करना है। मुझे चूंकि यहाँ पे स्पीड थोड़ी उससे बढ़ा दिया ताकि आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़े, तो अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद आपको इसको लगा के सो जाना है। मजे की बात यह, इससे आपके चेहरे के ऊपर चिपचिपाहट भी नहीं होगी। सुबह उठ के आप देखेंगे तो आपको 19-20 का फर्क एक नाइट में ही नजर आ जाएगा। पूरी रात इसको लगा रहने दें। ये कैप्सूल एलोवेरा और तिब्बत क्रीम मिलकर बहुत जबरदस्त इसका फार्मूला तैयार होता है। तो आप मेरे कहने पर इस क्रीम को जरूर घर पे बना के रखे, 3 दिन के लिए इतनी सी बना के आप 3-4 दिन आपकी चल जाएगी। फ्रिज के अंदर स्टोर करें, ठंडी ठंडी क्रीम रात को अप्लाई करें। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते रहे, तो मैं आई प्रॉमिस इंशाल्लाह आपके चेहरे के दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे, छाइयां और टैनिंग, जिस तरह का भी चेहरे का मसला है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, चेहरा एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। शर्त यह कि आपको इसको रेगुलरली इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसे दिन के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको लगा के धूप या चूल्हे के पास नहीं जाएं, इसलिए बेस्ट है कि नाइट में इस्तेमाल करें। बहुत सारी बातों के बाद यही कहूंगी कि ये नाइट क्रीम बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे हाथ, पांव या जिस्म के किसी भी हिस्से पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लेसन में आज दुआ के साथ साथ एक बहुत प्यारा लेसन भी है कि माँ से ज्यादा कोई औलाद को प्यार नहीं कर सकता और बाप से ज्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। बेशक अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन को रहती दुनिया तक सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ढेर सारा ख्याल रखे, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।